तो हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मूवी होने वाली है उसका नाम है सोनिक। तो बिना टाइम गवाए चलिए मूवी पे आते हैं। तो मूवी हमें शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक जो क्रिएचर जिसका नाम है सोनिक। तो सोनिक जो है हमारा बेसिकली एक दूसरे प्लेनेट से है। उसके पास कुछ सुपर सोनिक स्पीड्स वाली पावर्स हैं और उसकी जो मदर हैं वो एक आउल हैं, फीमेल आउल। अब यहाँ पर उसके जो घर होता है वहाँ पर कोई दूसरे क्रिएचर वहाँ कर उसके घर पर हमला करते हैं। अब वहाँ हमला होने पर उसकी मदर उसको वहाँ से लेकर जाती हैं और वहाँ से लेकर जाने के साथ उनको एक वहाँ तीर लग जाता है जिससे वह ज़मीन पर गिर जाती हैं। और वह सोनिक को समझाती हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ, और वह एक पोर्टल ओपन करती हैं जिससे सोनिक उस पोर्टल से बाहर चला जाता है। और वह उसको एक इमरजेंसी थैली देती हैं जिसमें बहुत ही रिंग्स होती हैं जिससे वह कहीं भी पोर्टल ओपन कर ट्रैवल कर सकता है। अब जब सीन शिफ्ट हो जाता है और वह सबसे पहले जो पोर्टल ओपन हुआ है उससे वह अर्थ पर आता है। अर्थ पर आते ही वह एक बहुत ही नेक काम करता है और एक कछुए को बचाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने यहाँ अर्थ पर अपना एक आशियाना बना रखा है जिससे वह खेलना कूदना जो भी उसका खाना पीना है वो वहीं करता है और बहुत ही इंजॉय वाली लाइफ काट रहा है यहाँ पर। लेकिन उसको बोरियत महसूस होती है तब वह गांव या शहर की तरफ आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक शहर को जो एक वहीं उसी टाउन का शहर होता है और उसको सोनिक का एक पंख मिलता है और सोनिक भी उसको पसंद करने लगा क्योंकि वह एनिमल लवर होता है। अब हम उसके घर पर सीन दिखाते हैं उसकी वाइफ जो कि एक एनिमल डॉक्टर होती है। लेकिन शहर यहाँ रहना नहीं चाहता है और वह सैन फ्रांसिस्को में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देता है। कुछ समय बाद उसके घर लेटर आ जाता है और वह जब वो घर आकर अपना लेटर देखता है तो वह बहुत ही खुश होता है और उसकी वाइफ भी बहुत खुश होती है कि अब वह सैन फ्रांसिस्को में रहेंगे। अब वह केक काटते हैं और फिर हम देखते हैं वहाँ पर हमको सोनिक दिखता है जो कि छुपकर बच्चों का मैच देख रहा होता है और उसको लगता है कि उसके भी कुछ दोस्त होने चाहिए थे। तब वह रात में जब सब कोई नहीं होता है तब सोनिक वहाँ रात में जाकर अपना मैच की प्रैक्टिस करता है और हम देखते हैं कि सोनिक वहाँ ग्राउंड में काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है और वहाँ जब वह इतनी तेज़ दौड़ता है तो वहाँ पर की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये बात बहुत बड़ी होती है लेकिन घर में उसको जो शेरिफ था उसको वैसा ही पंखा अब एक अपने घर में मिलता है और जो लाइट जाने वाली बात थी उसको पूरा शहर नोटिस करता है और ये बात मिलिट्री तक जाती है। अब मिलिट्री इसकी एक जांच बैठाती है और उसके बाद एक सन की डॉक्टर जो रोबोटिक्स में माहिर है उसको अपॉइंट करते हैं। अब वो अपनी पूरी साजो सामान के साथ लग जाता है ड्रोन्स को लेकर हमारे जो सोनिक हमारा हीरो है उसको ढूंढने। अब हम देखते हैं वह अपनी ऑफिस से ड्रोन्स को कवर करता है और उसको सोनिक का एक फुटप्रिंट मिल जाता है जिससे वो अपने असिस्टेंट पर चिल्लाता है कि तुम्हें ये कैसे नहीं दिखा, ये कोई यहाँ हमारे पृथ्वी का क्रिएचर नहीं है, यह एक एलियन है। और ये बात हमारे जब सोनिक को पता लगती है तो वह अपना साजो सामान बांध कर अपना बैग पैक करके वहाँ से निकलने ही वाला होता है जिससे उसके ध्यान आता है कि चलो क्यों ना अपने दोस्त शेरिफ को अलविदा बोल के आया जाए। अब शेरिफ भी उस क्रिएचर को ढूंढता है लेकिन जब शेरिफ अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जाता है तो उसको वहाँ पर अपना सोनिक मिल जाता है। अब सोनिक को मिलने के बाद वो उसको शूट करने वाला होता है लेकिन वह उसको नशे की इंजेक्शन से वहाँ बेहोश कर देता है। और जो हमारे सोनिक के हाथ में वो जो पाउच होता है जिसमें उसके रिंग्स हैं वो पोर्टल ओपन होने से वो सैन फ्रांसिस्को बोलता है वहीं पर वो पाउच गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि वो पाउच सैन फ्रांसिस्को में गिर गया है और सोनिक बेहोश हो गया है तो शेरिफ उसे पिंजरे में बंद करता है। कुछ टाइम बाद उसको होश आता है और वो पिंजरे से बाहर आ जाता है। अब वह शेरिफ को समझाता है तो शेरिफ बहुत ही ईमानदार होता है और नेक होता है और वो उसकी बात मान जाता है और उसको अपने घर में छुपा देता है। कुछ समय बाद एक कार आती जिसमें वही सनकी हमारा जो डॉक्टर है वो होता है और वह हमारे शेरिफ से पूछता है कि तुमने किसी अजीब से क्रिएचर को यहाँ देखा, तो शेरिफ उसे मना करता है लेकिन उसके ड्रोन्स को भी बहुत ही खुजली थी और वह पहुँच जाते हैं उसके घर में वो भी चोरी छुपे।
जब वह घर में पहुँचते तो वहाँ उनको सोनिक मिल जाता है। अब सोनिक के मिलने के बाद वहाँ जब वह घर में जाता है तो उसको सोनिक का एक पंख भी मिल जाता है। सोनिक का पंख मिलने के बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है और वह ड्रोन से उस पर गन पॉइंट कर देता है। यह सब देखते ही वह सोनिक बाहर आता है और वह सोनिक को लेकर जो हमारा शहर है वह वहाँ से भाग जाता है और एक कार में बैठते हैं जाकर। अब सोनिक और जो हमारा शेरिफ है वह कार से वहाँ से भागते हैं और वह ट्रैवल करते हैं। रास्ते में बातें करते हुए जाते हैं कि ये कौन है, क्या है। तभी वो रास्ते में जाते हुए हैं और उनको रात हो जाती है और रात में वह एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो बार टाइप होता है। वहाँ पर उन कुछ गुंडों से उनकी फ़ाइट हो जाती है जिसमें वहाँ हमारा सोनिक है बहुत ही ज़्यादा मजे से वहाँ सबको मारता है। और दिन निकलता है, वह फिर से अपने सफ़र पर शुरू जाते हैं और वह देखते हैं कि उनका पीछा उस सनकी कार, रोबोट कार, जो एक रोबोटिक कार है वो कर रही है। तो सोनिक उसको मजा चकाता है और उसको फोड़ डालता है, लेकिन उस वो रोबोटिक कार भी कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। और वह जैसे ही एक खत्म होती है उसके अंदर से एक और छोटी रोबोटिक्स कार निकल आती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनकी कार, जो शेरिफ है और सोनिक, उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वह सोनिक बहुत चोटिल होता है। और सोनिक को लेकर वह अपनी वाइफ के, सिस्टर के यहाँ जाता है और वह अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेता है कि क्यों ना सोनिक का वह इलाज करे। तो वह सोनिक का इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि सोनिक के जो जूते हैं वह फट चुके हैं, तो उसकी एक जो वहाँ पर सोनिक को नए जूते भी दिए जाते हैं। अब जो हमारा सन की डॉक्टर था उसको सोनिक का जो पंख मिला था वह उस पर रिसर्च करता है। वह देखता कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वह बहुत ही खुश होकर उससे अपने लिए एक गैजेट तैयार कर लेता है। वो गैजेट अभी आपको आगे दिखेगा। अब ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ सैन फ्रांसिस्को में उसकी जो पॉकेट गिरा था जिसमें बहुत सारी रिंग्स हैं। अब वहाँ शहर पर अपना पुलिस का रुतबा दिखाते हुए वहाँ बिल्डिंग में जाता है और वहाँ छत पर सोनिक को लेकर टेरेस पर पहुंच जाता है। जैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ उसने रिंग्स का पॉकेट वहाँ उनको मिल गया है। अब वो जैसे ही पोर्टल ओपन करने वाला ही होता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ड्रोन की आर्मी सी आ जाती है और हमारा सन की जो डॉक्टर है या फिर साइंटिस्ट, इसको कहें क्या कहें, वो अपना एक ड्रोन लेकर वहाँ आता है और उनको मारने वाला होता है कि वह जो हमारा सोनिक है वो उन सबको छत पर वहाँ से धक्का देता है और नीचे गिरा देता है और एक पोर्टल ओपन करता है जिससे जो शेरिफ और उसकी वाइफ हैं वह अपने घर पर पहुँच जाती हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है सोनिक और उस साइंटिस्ट के बीच, जहाँ पर सोनिक उसको धूल चटा देता है। अब ये इतना तेज़ होता है कि ये लड़ते लड़ते पूरी दुनिया का चक्कर काट चुके होते हैं, कभी कहीं, कभी कभी इजिप्ट को, कभी कहीं, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं। अब ये डॉक्टर इसलिए इसके पास इतना भाग पाता है क्योंकि इसने जो सोनिक का पंख मिला था उससे ही अपना इंजन या फिर अपनी जो ड्रोन है उसमें इसका इस्तेमाल किया होता है। अब ये दोनों लोग काफ़ी थक चुके होते हैं, सोनिक सारे ही छल्लों का इस्तेमाल कर चुका होता है और फिर हम देखते हैं ये पोर्टल एक ओपन होता है और सोनिक उसी ही जगह आ जाता है जहाँ पर शेरिफ को उसने भेजा था, यानी कि शेरिफ के घर। अब सोनिक की थैली पूरी खाली ही हो चुकी होती है, उसमें कुछ ही छल्ले रह गए होते हैं और सोनिक बहुत ही थक चुका होता है, अब लड़ने के लायक नहीं रहा होता है। लेकिन वहाँ पर कुछ टाउन के लोग आ जाते हैं और वह उस जो गद्दार हमारा साइंटिस्ट है उसके सामने आ जाते हैं और टाउन के लोग सभी मिलकर उसका जो हमारा सोनिक है उसका हौसला बढ़ाते हैं और सोनिक से कहते हैं कि वह उनका दोस्त है। ये बातें सुनते ही सोनिक में एक नई सी एनर्जी आ जाती है और वह फिर उस ड्रोन, जो साइंटिस्ट है उसके ड्रोन के पर खच्चे उड़ाने वाला होता है। लेकिन उससे पहले वो एक उसको पहले मारता है और फिर एक बहुत ही, उसके बाद वो शेरिफ से कहता है कि वह एक रिंग को फेंके। जैसे ही वो एक रिंग को फेंकता है सोनिक से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होने के बाद उसको दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफ़र कर देता है। अब
जहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट भाई साहब थे वो दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, और वह जो शेरिफ है वो भी सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए नहीं करता है, और वह सोनिक को अपने साथ रख लेता है। और फिर ये तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाद में यहाँ पर मिलिट्री के चीफ आते हैं और वह ये कहते हैं कि यहाँ पर सोनिक पर जितने भी चार्जेस लगे हैं वो